हेलो एवरीवन, मैं हूं श्रेया और आइए जानते हैं आज की खास खबरें। बिग बॉस 11 के मशहूर कंटेस्टेंट अर्शी खान हाल में ही अपने बोल्ड फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में बनी हुई थी। अर्शी ने कुछ दिनों पहले ही छोटे पर्दे के कुछ सीरियल्स इश्क में मर जावा, मेरी हानिकारक बीवी और बिट्टे बिजनेस वाली में एक्टिंग कर अपना जलवा दिखाया था। अब रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस की कंटेस्टेंट जल्द ही सीरियल में काला जादू करने वाली हैं। मेरा मतलब ये है कि सीरियल में वो जो किरदार निभाएंगी वो काला जादू करता है। जी हाँ, अर्शी एन टीवी के सीरियल लाल इश्क में काला जादू करती दिखाई देंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि टीवी एक्टर अनुज सचदेव और गुलकी जोशी भी अर्शी खान के साथ इस एपिसोड का हिस्सा होंगे। ये कहानी अनुज और गुलकी के किरदार के इर्द गिर्द होगी, जो बिहार के रहने वाले हैं। वहीं अर्शी खान इस एपिसोड में काला जादू करने वाली किरदार निभाती नजर आएंगी। क्या आप अर्शी को काला जादू करने वाली रोल में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। जल्द ही आपके फेवरेट कॉमेडियन एक बार फिर छोटे पर्दे पर वापसी करने को तैयार हैं। सालों तक लोगों को अपनी कॉमेडी के जरिए एंटरटेन करने वाले कपिल शर्मा पिछले 1.5 सालों से कई विवादों का हिस्सा रहे, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपनी सारी पुरानी बातों को भुलाकर नई शुरुआत करने की ठानी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल शर्मा अगले 2 महीने में छोटे पर्दे पर अपनी वापसी कर सकते हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मुताबिक कपिल छोटे पर्दे पर वापसी करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने सोनी टीवी से बात की है। क्या आप कपिल को दोबारा छोटे पर्दे पर कॉमेडी करते देखना चाहते हैं? हमें कमेंट्स में बताइए। टीवी एक्टर गौतम रोड़े और 2 अन्य लोगों को डेवलपर की तरफ से 8 करोड़ रुपए का धोखा दिया गया है। एक्टर गौतम रोड़े ने मुंबई के आर्थिक अपराध विंग के साथ शिकायत दर्ज करवाई है। अभिनेता ने दावा किया है कि वो और 2 अन्य खरीदारों ने गोरेगांव डब्लू में बन रही गगनचुम्बी इमारतों में फ्लैट बुक किया था। हालांकि निर्माण 2016 से 14वीं मंजिल के स्लैब से आगे नहीं बढ़ाया गया है। एफआईआर के अनुसार रोड़े ने 2016 में डेवलपर अतिथि पटेल से मुलाकात की थी। बिल्डर ने एक्टर से कहा कि गोरेगांव में 55 मंजिला इमारत निर्माणाधीन थी। बिल्डर ने सभी आवश्यक अनुमतियां पूरी कर ली थी और दिसंबर 2018 तक पोजीशन करने की बात कही थी। गौतम रोड़े ने 31वें फ्लोर पर 2,445 स्क्वायर फीट का 4 करोड़ का फ्लैट बुक कराया था, जिसके लिए उन्हें 1.5 करोड़ रुपए की एक मुश्त राशि और उसके बाद 5 लाख रुपए की मासिक किश्त भरने को कहा गया था, जिसके बाद उन्होंने मई 2016 और मार्च 2017 के बीच 2.11 करोड़ रुपए की फर्म के लिए चेक से भुगतान किया। हालांकि एफआईआर का कहना है कि जब निर्माण कार्य 14वें स्लैब से आगे नहीं बढ़ाया गया, तब रोड़े ने डेवलपर से अपने पैसे वापस करने को कहा, लेकिन वो पैसे उन्हें वापस नहीं मिले। अब देखना ये होगा कि इस मामले में पुलिस गौतम रोड़े की क्या मदद करती है। टीवी पर विलेन का किरदार निभा सभी का दिल जीतने वाली काम्या पंजाबी एक बार फिर से खबरों में आ गई हैं। हालांकि इस बार वो अपनी दोस्त प्रत्यूषा या फिर अपने रोल नहीं बल्कि अपने रिलेशन और लव लाइफ को लेकर चर्चाओं का हॉट टॉपिक बन गई हैं। दरअसल सोमवार को काम्या का जन्मदिन था और उन्होंने इस खास मौके को अपने दोस्त के साथ सेलिब्रेट किया। ऐसे में बिग बॉस 10 के विनर और काम्या के कथित बॉयफ्रेंड मनवीर गुर्जर ने उनके लिए जो विश मांगी वो देखते ही देखते खबर बन गई। मनवीर ने काम्या को विश करते हुए इंस्टाग्राम पर लिखा, दोस्तों की दोस्त दुश्मनों की दुश्मन, नाम तो सुना ही होगा, नाम है काम्या पंजाबी। जितने लोगों से मैं अपनी जिंदगी में मिला हूँ उनमें से सबसे भरोसेमंद इंसान को जन्मदिन की बधाई। तुम्हें उतना प्यार मिले जितना तुम्हारा दिल संभाल सकता है, खुशियाँ जितनी एक दिन में मिल सकती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद, हैप्पी बर्थडे, भगवान करे तुम्हें खूब सारा प्यार और हमेशा सफलता मिले, शुभकामनाएं। उनके इस पोस्ट के बाद फैंस ने दोनों के रिलेशनशिप में होने की बात कहने लगे। वेल, ये पहली बार नहीं है जब काम्या और मनवीर अपने रिलेशनशिप को लेकर टॉप ऑफ द टाउन बने हो, बल्कि इससे पहले भी दोनों के रिलेशनशिप की खबरें फिल्मी गलियारे में छाई रहती हैं। हालांकि दोनों ने कभी एक दूसरे को दोस्त से बढ़कर कुछ नहीं माना है, लेकिन मनवीर का पोस्ट तो कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। टीवी एक्ट्रेस हिना खान अपने स्टाइल और सेक्सी लुक के लिए लगभग हर दिन खबरों में बनी रहती हैं। हिना की खूबसूरती के दीवाने तो लगभग सभी हैं। टीवी की दुनिया में हिना काफी खूबसूरत एक्ट्रेस हैं। यही नहीं बल्कि उन्हें एशिया की सबसे सेक्सी महिला की लिस्ट में शामिल भी किया गया है। इन दिनों सोशल मीडिया पर हिना की एक फोटो वायरल हो रही है। इस फोटो में हिना खान व्हाइट कलर की शर्ट और शॉर्ट पैंट्स में नजर आ रही हैं। दरअसल ये तस्वीर तब की है जब हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल के साथ फिल्म देखने गई थी।
इस दौरान वो बोल्ड और सेक्सी अंदाज में नजर आ रही हैं। हिना खान के करियर की बात करें तो अब तक जहां खबरें आ रही थी कि वो कसौटी जिंदगी की में कमोलिका का रोल प्ले करने वाली हैं, वहीं अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि शायद वो इस सीरियल का हिस्सा ना हो, उनकी जगह बेलन वाली बहु एक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा ने ले ली है। तो ये थी आज की खास खबरें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए हिंदी रश।